आज सोमवार है 30 अक्टूबर सन 2023 ईस्वी 14 रबीउल सानी 1445 हिजरी। रोजनामा कश्मीर ट्रिब्यून से पेश खिदमत है आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी समाइन को जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। ईदगाह श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग, पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी, फोर्सेस ने एक वसी इलाके को सील किया, शहर में सिक्योरिटी अलर्ट। पुलवामा में दो मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। गांधरबल में जेब कतरे खवातीन के ग्रुप का पर्दा फाश। कुठवा में फौजी अहलकार अहलिया को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार। ईंट भट्टों और मंशियात के बजाय मेवा की काश्त की तरफ लोगों की तवज्जो। अनंतनाग और उलगाम में भी हाई डेंसिटी मेवा बाग लगाने का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत सरहदी इलाकों में रिहायशी लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म। सूबाई कमिश्नर और IGP जम्मू ने मुतासर इलाकों का दौरा किया, नुकसान का लिया जायजा। BSc नर्सिंग तलबा का श्रीनगर में एहतजाज, BOPI से बरवकत काउंसलिंग का किया मुतालबा। सोनम लोटस का लह तबादला, मुख्तार अहमद कश्मीर के नए नाज़िम मौसमियात तैनात। नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए वापस आने को तैयार, राजनाथ सिंह। तमाम दूरदराज इलाकों को जल्द ही मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों में ओवरलोडिंग से लोग परेशान, गाड़ियों के ऊपर पीछे मुसाफिर लटकते हुए खतरात से दोचार। कांगड़ियों का जुनून, सर्दियों के आगाज के साथ ही मांग में इजाफा। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कांगड़ियों ने मार्केट में अपना हिस्सा बरकरार रखा है। पाक भारत कशीदगी को खत्म करने के लिए बातचीत इंतहाई लाजमी। नफरत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको एक होना होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में 21वीं सदी में भी आम इंसान बुनियादी सहूलियत से महरूम। सिविल इंतजामिया में बारी फेरूबदल, 3 डिप्टी कमिश्नरों समेत 41 अफसरों के तबादले। बसीरुल हक डिप्टी कमिश्नर रामबन, हरविंदर सिंह जिला तरकियाती कमिश्नर डोडा और विशेष पाल डिप्टी कमिश्नर रियासी तैनात। पाइन शहर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, SSP ने लिया सूरत हाल का जायजा। शिमाली कमान का सरबरा का सरहद पर अगली चौकियों का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। देसी हेलीकॉप्टर की शबाना ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बिजली की पैदावार पर टैक्स ड्यूटी आयद न करें, मरकज का रियासती हुकूमतों को हुक्म। पैदावार टैक्स का इतलाक गैर आईनी। रवा हफ्ते के दौरान मौसम मजमू तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। हमास के हमले के बाद इसराइल की फजाई बमबारी जारी, अमवात की मजमू तादाद 9000 से तजावुज। जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, महमूद अब्बास का अरब सरबराही इजलास बुलाने पर जोर। जिला अनंतनाग में सरकारी दफातर किराए के कमरों में मनी सेक्रेट न होने से आज एक जगह तो कल दूसरी जगह काम चलाया जाता है। मौसमी सरमा से कबल ही बिजली, पानी और बेकार ट्रांसफार्मरों के खिलाफ सारिफिन नाला। कहीं पानी की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान, तो कहीं शाम होते ही छा जाता है गुप्त अंधेरा। जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फजाएं कायम, BJP इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार, रविंदर रैना। अफगानिस्तान में जलजले के झटके, शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड, 13 अफराद जख्मी। राजौरी में 17 मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए, 2 दिन की तनख्वाह काटने का हुक्म, वजह बताओ नोटिस भी जारी। वर्ल्ड कप 2023 दिफाई चैंपियन इंग्लैंड चारू शानी चित, भारत 100 रन से कामयाब। महकमा खेल जोन टाब की जानिब से बदलता जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद। आप समाप्त कर रहे थे आज की सुर्खियां। दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।